Guys, I'm sorry. Actually, my maths बड़ी खराब है. और ये नहीं वो एक स्लाइस. नॉर्मल स्लाइस ऑफ पिज्जा. और ये है जायंट स्लाइस ऑफ पिज्जा. चारों. ढाई किलो का हाथ में 10 किलो का प्लेटर है. दिन में. Love it. Hello everybody and welcome back to my channel. I'm Kuljyoti Dhingra and I'm here today about food, travel and vlogs. If you like any of those things, consider सब्सक्राइबिंग. इन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में होने वाली हैं बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि हम करने वाले हैं 24 आवर फूड चैलेंज, जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे जायंट फूड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. क्योंकि असी वड्डे वड्डे लोग हैं तो वड्डी वड्डी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर असी लोग करने वाले हैं ट्राई. नॉर्मल लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? परांठे खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, ब्रेड बटर खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, पर नहीं, आज हम बड़े फैंसी हो गए हैं. आज हम खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के अंदर डिम सम. और ऐसे वैसे डिम सम नहीं, हम सुपर ह्यूज प्लेटर खाने वाले हैं डिम सम के, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. तो फटाफट से चलते हैं. हडसन लेन में पहुँच चुकी हूँ. कहाँ पे पहुँची हूँ अभी बताती हूँ. चलो मेरे साथ और आपको दिखाती हूँ मैं बढ़िया सा डिम सम प्लेटर. लेट्स गो. आज की वीडियो में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी है. कौन है हमारा स्पेशल गेस्ट? ड्रम रोल कर रही हूँ. सो देखो जी, बेबो दियां गल्लां ने पिंक पिंक, बेबो दे कपड़े भी ने पिंक पिंक, ते आज जो बेबो दा कैफे भी है वो भी हो गया है पिंक पिंक. सो हम लोग आ चुके हैं हडसन लेन में एंड हम लोग यहाँ पे, यार मैं तुम लोग को पहले कहानी बताती हूँ पूरी आज की. ये मैडम 2 घंटे लेट आई है. 2 घंटे तो ज्यादा. 1 मिनट, हमारा कितने बजे प्लान था मिलने का? मैंने सिंपल फूडी का बदला तेरे से लिया. वैसे हम लोग अभी आ गए हैं एट द पिंक कैफे इन हडसन लेन. तो रिसेंटली ना मैंने देखा था काफी लोग इंस्टाग्राम पे जा रहे थे हडसन लेन में पिंक कलर के कैफे में. तो ये है कैच 99 एंड यहाँ पर गाइस आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी मैथ्स बड़ी खराब है. कैच 39. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए हैं ट्राई करने के लिए इनका सुपर ह्यूज जायंट डिमसम प्लेटर. इट्स कॉल्ड रेनबो प्लेटर. मैं यहाँ पे बैठ के मेन्यू ताड़ी हूँ आधा घंटा, तो मुझे पता है एग्जैक्ट डिशेस का नाम. मैं तेरा एग्जाम लूंगी. अब हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो प्लेटर आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि उस प्लेटर में क्या क्या है. आई एम रियली एक्साइटेड. भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा तेज. मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा. मैंने भी नहीं. रियली? या ठीक है. हंग्री चलेगा. लेट्स वेट. बट वेट अ मिनट, ये डिमसम बास्केट देख के आपको किसी और चीज की याद नहीं आ रही? Finally, our dim sum platter is here and it is super huge. दिखाओ. कितना बड़ा है? हम दोनों छुप गए इसके पीछे. बहुत गलत चीज लग रही है ये. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? And यहाँ पर थोड़ा धुआं धुआं से समा वाली सिचुएशन चल रही थी, बट अब वो बंद हो गई. उन्होंने शूट कर करके पागल कर दिया इसको. बट यहाँ पर ओवरऑल 14 डिमसम्स हैं एंड 7 टाइप्स ऑफ डिमसम है. हमने नॉनवेज वाला ऑर्डर किया था बिकॉज वी आर हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस, बट इसमें वेज वाला भी अवेलेबल है, आप वो ट्राई कर सकते हो. हम कुलज्योति की चॉपस्टिक स्किल्स देखेंगे. खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. भगवान जी बेइज्जती मत करवाना. मैं चाहती नहीं ना कोई भी दूर दूर हो. दूर हो के भी ओह माय गॉड. ब्रो अंडर एस्टिमेट नहीं करने का. मैं ये मनी बैग खा रही हूँ. दिस इज द मनी बैग, जो कि देखने में एकदम ऐसे पैसे की पोटली लग रहा है. तुम क्या खाओगे? आई एम गोइंग टू
काला मोमो एज काला एज माई हार्ट। यहाँ पे तीन तरह की डिप्स हैं। ओके इट गेव अप। यू ऑल्सो टेक ना, देर इज चिली ऑयल, देर इज नॉर्मल डिम्सम वाला डिप एंड देर इज अनदर चिली वाला डिप। चीयर्स। In fact, this money bag is also very good. Very good? Very nice. Where is black one? All black nahi hai. Haath pe aa gayi kul jyoti sidak mera ho gaya. Bas ho gaya. Jitna dikhana tha na chopstick dikha liya. Main Indian hu, mere ko haath chakhana aata hai. Chopstick, popstick nahi aati mere ko. Chalo. Chili oil ke saath mein try karenge. Let's go. Black one is genuinely so good. सुपर सॉफ्ट और अंदर की जो चिकन की फिलिंग है वो बहुत स्पाइसी है। मैं अभी तक तीन यहाँ पर डिमसम ट्राई कर चुकी हूँ। देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो डिमसम का कोई नाम नहीं है। वाई? सब कलरफुल डिमसम है लेकिन स्टफिंग सब में चिकन की है, बट एवरी स्टफिंग इज वेरी डिफरेंट इन टेस्ट। मेरे को जो कलरफुल वाला था, जो ट्राई कलर डिमसम टाइप था, वो भी बहुत अच्छा लगा। ये ब्लैक डिमसम भी बहुत अच्छा लगा। द ऑरेंज वन वाज लाइक काइंड ऑफ, बट ओवरऑल द प्लेटर इज वेरी गुड। मतलब लेकिन इसकी जो डिप्स है दीज आर वेरी स्पाइसी और मैंने पूरा डुबो डुबो के इसको खाया, तो इट इज वेरी वेरी नाइस। यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई दिस। प्राइस तो मैं भूल ही गई, प्राइस क्या था भाई? इसने पे करना। मतलब कुछ भी। तो बस हम इसको करते हैं खत्म। आपको मिलेंगे लंच टाइम पे और भी ज्यादा खाने के साथ में, जो होगा सुपर डुपर जायंट। लेट्स गो। ये क्या कहते हैं, ये ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, चल खाते हैं। चैलेंज का हम पार्ट करने वाले हैं लंच वाला, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं प्लेस कॉल्ड पापरिज़ा। नाउ ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने पिज़्ज़ास के लिए, पर हम यहाँ पर कोई नॉर्मल छोटा मोटा निक्का या पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर करने वाले हैं। हम यहाँ पर सुपर ह्यूज जायंट पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले हैं। ऑर्डर मैंने कर दिया है प्लेस, जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि वो पिज़्ज़ा कैसा दिखता है और तो कैसा टेस्ट होता है, दोनों। स्टे ट्यून्ड। तो मैंने अपने ट्रेनर को बोला था कि मैं सिर्फ एक स्लाइस पिज्जा खा के आऊंगी और ये रही वो एक स्लाइस। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। So basically this is a super huge slice of pizza. अगर आप हमने पिज्जा मंगवाया है, एक में चिकन टिक्का है एक साइड, दूसरी साइड पनीर टिक्का है, तो वेज भी खुश नॉन वेज भी खुश। अंजलि ढींगरा हमारे साथ आ चुकी है। वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, बहुत लोग पूछते हैं क्या अंजलि ढींगरा कुलज्योति ढींगरा की बहन है? We are sisters from another universe. Parallel universe में हम दोनों बहने हैं। हैं हम बहने, हम बस अलग-अलग cities में रहते हैं क्योंकि हम अलग-अलग cities cover करना चाहते हैं। Yes, और ये लोग genuinely serious हो जाएंगे। Joke, joke. तो भाई ये जो pizza है, मैंने life में पहली बार pizza में सोने वाला प्यार देखा। ये मैं अंजलि को पूरा cover कर दूँगी इसके अंदर। मतलब मुझे पहली बार कोई ऐसी चीज मिली है जो मुझसे भी ज्यादा बड़ी दिखती हो। एंड पिछली बार जब मैं ये पिज्जा खाने आई थी ना, तो मेरे साथ एक बहुत तगड़ा कांड हुआ था, पर इस बार मैं वो कांड नहीं करूंगी। So this is what I eat when my dietitian asks me to have only one slice of pizza. I eat a और हम लोग ट्राई करेंगे ये पिज्जा, तुम भी खाओगी। लेट्स गो टुगेदर। ये टेस्ट में भी बाकी पिज्जा का बाप ही है। मैं ना ऐसे करती हूँ, चिकन टिक्का उठा के खा जाती हूँ पिज्जा के ऊपर से। अपने को प्रोटीन भी तो चाहिए। तो सिरके वाला प्याज बहुत अच्छा लगा। यार ये ना बेसिकली नॉर्मल जैसे पिज्जा होता है ना वैसे नहीं है, काफी देसी सा पिज्जा है एंड इसका जो टेस्ट है ना पूरा नान टाइप से है। ऊपर इसके एकदम देसी सी ग्रेवी डाली हुई है एंड इसके साथ में जो पनीर टिक्का एंड चिकन टिक्का उसका टेस्ट तो इतना बढ़िया है, चीजी वो रुक ही नहीं पा रही भाई, वो रुक ही नहीं पा रही। उसको इतना स्वाद लग रहा है, मुझे तो ये बहुत 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 अच्छा लगा। हम दोनों इसको खाते हैं। देखो हमसे वैसे ख़त्म नहीं होगा ये, मैं ये बता दूँ डिमसम तो हम खाए, ये मुझे नहीं लगता हम ख़त्म कर पाएंगे। वैसे ना काफ़ी लोगों की टॉक्सिक ट्रेट होती है, उनको लगता है वो ख़त्म कर देंगे, नहीं हो पाएगा है ना। ये है
नॉर्मल स्लाइस ऑफ पिज्जा और ये है जायंट स्लाइस ऑफ पिज्जा। तो अगर आपको लगता है आप ये पिज्जा खत्म कर जाओगे तो ये जो गलत फहमी है हमने दिमाग से निकाल दो, हम फिर भी जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं और आपको मिलेंगे डिनर टाइम पे, क्योंकि शाम को तो हमें भूख ही नहीं लगेगी मुझे जहां तक लगता है। ओके लेट्स ईट इट। वर्कआउट कर लेना और अपना प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर लेना, आज वर्कआउट करने वाला ब्लैडर तो मैंने मंगवा लिया है, 2.5 किलो का हाथ में 10 किलो का ब्लैडर है और इसके साथ प्रोटीन ही प्रोटीन है इस पूरे प्लैटर के अंदर। तो यहाँ पर इस प्लैटर में कितने, मतलब ये टिक्का प्लैटर है, मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिक्का है, यहाँ पर मलाई चिकन टिक्का है, यहाँ पर फिश टिक्का है, यहाँ पर सीख कबाब है मटन वाला, यहाँ पर नॉर्मल चिकन वाला सीख कबाब है, यहाँ पर अगेन चिकन टिक्का है जो कि आई थिंक पेपर वाला चिकन टिक्का है, दिस इज नॉर्मल वाला चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन टिक्का होता है, दिस इज मटन टिक्का एंड दिस इज मोमो। मैं थक चुकी हूं उसको बोलते बोलते, इतने सारे टिक्के हैं इसके साथ में, यहाँ पर रुमाली रोटी चटनी प्याज चटनियाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई इट। तो फटाफट से हम लोग करते हैं टिक्के को ट्राई। देखो है तो सिर्फ मेरे लिए ही, तो मैं मुंह मार के खाऊँ या जैसे मर्जी खाऊँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। भाई प्यार हो गया जेन्युइनली प्यार हो गया, और भी ट्राई करते हैं, रुको दिस इज चिकन सीख कबाब, लेट्स गो। रुमाली रोटी एंड नॉर्मल चिकन टिक्का, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो ना, ये जो पूरा टिक्का प्लेटर है ये एक सपना है आपके लिए, क्योंकि इसमें हर तरीके का चिकन टिक्का एंड मटन टिक्का एंड फिश टिक्का सब कुछ है। मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आपको ये डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने तीनों चिकन टिक्का ट्राई कर लिए हैं, तीनों इतने जूसी हैं, तीनों का टेस्ट एकदम अलग है, मटन टिक्का भी इतना ज़्यादा टेस्टी है, फिश टिक्का मैं एक खा चुकी हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद मैं और भी ज़्यादा खाऊंगी। ओवरऑल दिस प्लेटर इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस। पिज्ज़ा के टाइम पर मैंने कहा था कि तुम वो पिज्ज़ा ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मेरी टॉक्सिक ट्रेट ये है कि मेरे को लगता है मैं ये पूरा प्लेटर ख़त्म कर सकती तो मैं इसको कर रही हूँ ख़त्म, लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ड्रिंक तो हमने सुबह से कोई ली नहीं एंड नॉर्मल ड्रिंक तो आज हम ले ही नहीं सकते, आज हम लेने वाले हैं दिस सुपर डुपर ह्यूज पिचर LIT है ये, एंड बेसिकली इसको इस तरह ग्लास में डालना होता है और फिर पी जाना होता है। चीयर्स। दिन बन गया, लव इट। तो बेसिकली बात यह है कि वीडियो हो चुकी है ख़त्म। आज की वीडियो मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने काफ़ी सारा नया तरीके का कंटेंट करा एक्सप्लोर, लेकिन मेरे को पता है कि कमेंट सेक्शन में मेरे को बड़ी गालियाँ पड़ने वाली हैं, कुल ज्योति तुम इतना सारा खाना खा के आई हो और तुम ऑब्वियसली वो तुम पूरा तो खा नहीं पाई होगी, तुमने खाना वेस्ट करा होगा, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन खाना वेस्ट नहीं हुआ। तो जो हमारा पिज्ज़ा की इतनी बड़ी स्लाइस आई थी ना, तो एक साइड वेज थी एक साइड नॉन वेज थी, वेज वाली साइड मैंने अपनी वीडियोग्राफर को दे दी क्योंकि वेजिटेरियन है, नॉन वेज वाली साइड मैं घर पे ले आई। इसके अलावा कैंटीनों का भी थोड़ा बहुत खाना बचा था वो मैं घर पे ले आई एंड डिनर में मेरे घर वालों ने वही खाया, बहुत ही ज़्यादा स्वाद था वो खाना, तो कोई वेस्ट नहीं कर सकता, इतना बढ़िया खाना कोई कैसे वेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल खाना तो वेस्ट नहीं हुआ और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया खाना खा के। आज की वीडियो मुझे तो बहुत 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 पसंद आई। अगर मैं पूरे दिन की करूँ बात, तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो मेरे को आया ना, वो मेरे को कैंटीन हो जाके आए थे। जेन्युइनली बहुत 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 बढ़िया खाना है, आप वहाँ पे जाकर वो ट्राई कर सकते हो। प्लेटर बड़ा था, आई थिंक 1699 या 1799 का प्लेटर, मैं सुबह से बहुत जगह इधर उधर खर्च कर चुकी हूँ तो आई डोंट इवन रिमेंबर द प्राइस एनीमोर, बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी वेरी गुड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो ना, लाइक क्यों नहीं करते हो ना, लाइक करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताते हो कि तुम्हें वीडियो कैसी लगती है, या कोई नया कॉन्टेंट सजेशन भी नहीं देते हो, सब कुछ करो यार। एंड दिस इज गुलज्योति डिंगरा साइनिंग ऑफ, टू कम ऑफ द
This is Kuljyoti Dhingra signing off to come up, 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 up with more videos and future. Tab tak ke liye, bye bye. Raat ke 12:30 baj gaya. I think I should sleep. I have lost my mind. Bye.